प्रणाम मरुआ सबके। बहुत बहुत आभारी बानी हम रुआ सबके प्यार के देख के। बहुत सारा गलत फहमी बा लोगन के मन में, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग भइल बा बहुत सारा लोग के। सच्चाई पता नहीं खे, बहुत सारा लोग सच्चाई जान के भी वो सच्चाई के माने खातिर तैयार नहीं खन। तो आज हम सोचने हैं कि रुआ सबके बीच में आके सारा बात हम क्लियर कर दी। वैसे रुआ सब देख ही चुकल बने जा कि का जौन जितना ये दिन से प्रकरण चालू भइल बा। आज गोरी तोर चुनरी के 2 के वीडियो रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड पे अपलोड भइल बा और बहुत अभी 10-15 मिनट भइल अपलोड भइले रुआ सब बहुत ज़्यादा संख्या में ओकरा के प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहल बानी। एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमनी के जौन भोजपुरी इंडस्ट्री है बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। इतना दिन से जौन भइल तवन ना होके के चाहत रहे, जग जाहिर बा। उ लोग भी कहले हैं, अखिलेश कश्यप जी खुद लाइव आके कहनी कि गाना हमार पहले के रिकॉर्ड है। आ वहाँ के ई गाना खेसारी लाल यादव जी से ए वजह से गवा देनी कि वहाँ के नाम ना दिहल जात रहे। हम एगो उनका से सवाल पूछा तनी कि अरे भैया, अभी गाना रिलीजे ना भइल रहे तो तारा कैसे पता कि तार नाम ना जात रहे, तार तो नाम गवाइल रहे। जब तू ऐसन काम कह देहला तबे ना तार नाम हटल तारा। अच्छा इगो हम रुआ से कॉमन सेंस वाला बात बा कि उनका कैसे पता रहे कि उनका नाम, जब गाना रिलीजे नहीं के भइल तो अगम जानी हमें जान गेले कि उनका नाम ना दिया। ई तो गलत बात बा ना, गलत आरोप लगावल जा रहा बा। हमनी के मान ली कि हम बार बार यह बात कहतनी कि आशीष भैया बनारस वाला स्टूडियो में बैठा रहन, हमहू संगे रही और जा अखिलेश कश्यप जी भी रहन। ओती घड़ी तो आशीष भैया अपन नाम गीतकार में ना दिले रहन, ओती घड़ी गीतकार में अखिलेश कश्यप जी के नाम गवाइल रहे। जब नाम हटा वहीं के रही तो तार नाम गवाइत का है। और दूसरा बात, जब तू भाई पहले ऐसा काम कह देहला लोग तब तार नाम हटल, पहले तार नाम ना हट रहे। और एक कॉमन सेंस वाला बात बा कि गाना रिलीज भइला से पहले केहू कैसे जान जे कि ओकर नाम हट गई। अरे गाना अभी तो पोस्टरो ना बना रहे, तो पोस्टर जब पोस्टर बनले नहीं खे तो नाम कैसे हटे के संभावना कहाँ बा। तो ये गलत आरोप लगावल जा रहा बा। दूसरा बात कि आज खूब आदमी स्ट्राइक खेलल और शुरुआत भैया सबका से हम कह देवल चाहतनी कि खेसारी लाल यादव जी के गाना आदि शक्ति पर रिलीज भइल रहे शाम के, हमार गाना रहे। हम कुछ ना कहनी उन लोग पर कौनो स्ट्राइक पर स्ट्राइक ना, हम चुपचाप अपना रितेश पांडे ऑफिशियल पर अपन गाना रिलीज कनी। हम कुछ ना कौनो कंपनी के ना देवे कनी, हम कनी ऑफिशियल पर रिलीज कर दलोग हमनी के गाना है। अब गवाइए गई तो का भइल, हमनी के ऑफिशियल पर कनी के रिलीज कर दलोग। हम कुछ कहे ना कि नहीं, लेकिन पहला स्ट्राइक उन लोगों के तरफ से हमारे चैनल पे लगा। पहले उन लोगों ने मेरा गाना बंद किया, फिर हमने गाना बंद कराया ऑडियो, फिर हमारा वीडियो सोनो टोन पे चढ़ा, उन्होंने पहले मेरा वीडियो बंद कराया, फिर मैंने उनका वीडियो बंद कराया। हम कहाँ से गलत हैं भाई लोग, आप लोग बताइए हम कहाँ से गलत हैं। इतना करने के बावजूद
अब उहे भइल जौन पहिले ही कह लेबे के चाहत रहे। अब कहत रहे लोग कि चलो ठीक बा, न तू कर न हम करी, तो ये पहिले ही बतिया होगी रही तू। सम्मान करते हैं हम बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी का, हम हर इंटरव्यू में चाहे हर जगह बोलते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे तीनों बड़े भाई दिनेश लाल यादव जी, खेसारी लाल यादव जी और हमारे बड़े भैया पवन भैया सहित मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी भी इस भाई का, आप लोग के छोटे भाई का मार्गदर्शन करते हैं, उचित मार्गदर्शन करते हैं, हम हर जगह बोलते हैं और सच्चाई है ये। खेसारी भैया हमसे कहीं भी मिले हैं तो बाबू करके ही बोले हैं और बहुत अच्छे से बात हुई है हमारी। ये दो भाइयों में ये दूरी बना के क्या मिला आप लोगों को? अरे सच्चाई आपको भी पता है भैया कि एक महीना पहले से गाना गा के रखा हूं मैं, कितना मेहनत किया था हम लोगों ने इस गाने पे। दो भाई हम लोग खेसारी भैया और हम जहां कहीं भी मिलते थे गले लगते थे हम लोग, और आज भी मिलेंगे तो हम लोग गले ही लगेंगे। उनको धोखे में रख के आप लोगों ने गाना गवा दिया, हमारा गाया हुआ गाना उनको धोखे में रख के बताया भी नहीं कि रितेश पांडे गाया है, और आप लोगों ने उसका मेरा गाना खेसारी भैया से गवा दिया। उनको क्या पता कि हमारा गाना है? मेरी खेसारी भैया से कोई दुश्मनी नहीं है भैया। आदिशक्ति कंपनी ने पहले मेरे रितेश पांडे ऑफिशियल पे मेरा ऑडियो चढ़ा था, उन्होंने क्लेम मारा, मैंने हमारा ऑडियो बंद हुआ, मैंने उनका ऑडियो बंद किया, हमारा वीडियो बंद किया, मैंने उनका वीडियो बंद कर दिया। आज भी वही प्यार है। मैं कह रहा हूं कि दो भाइयों में गलतफहमी पैदा करके आप लोगों ने इतना बड़ा गेम कर दिया, इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया। आपको ये सब अगर नहीं चाहिए था तो आप पहले ही मेरा, आप शुरुआत तो आपने किया, गाना तो पहले मेरा आपने ब्लॉक कराया, फिर ना मैंने ब्लॉक कराया, फिर वीडियो भी आपने पहले मेरा ब्लॉक कराया, फिर मैंने आपका वीडियो ब्लॉक कराया। इस इतनी प्यारी इंडस्ट्री में दो भाइयों को लड़वाए हैं आप लोग, इतना लड़वाने के बाद क्या कि अब सब कुछ सही करते हैं। मैं पीछे नहीं हटा भैया, जब हमारे सामने बात आई कि सब कुछ सही करते हैं तो मैंने पीछे नहीं हटा, हम पीछे नहीं हटे। आज भले हमारे शब्दों में थोड़ी बहुत त्रुटियां आप लोग को समझ में आएगी क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूं और अंतरात्मा मेरी दुखी है इस वजह से। आज सब कुछ सही हो गया, हमारा गाना रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड पे खुल गया, उनका गाना हमने खुलवा दिया, सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन ये जो चार दिन प्रकरण चला है इसमें दो भाइयों के दिल में दूरी, अब कितने भी हम लोग प्यार से मिले लेकिन दूरी तो बना दिया ना आप लोगों ने, हमारे फैंस के बीच में आप लोग दूरी बना दिए। कितना गाली गलौज हो रहा है, वो उनको गाली दे रहा है, हम उनको गाली दे रहे हैं, वो हमको गाली दे रहे हैं, यही चल रहा है। ठीक है, सत्य क्या है सब लोग जानते हैं। अब हम आप लोगों से ज्यादा अब क्या बोले, अभी हम शूटिंग पे हैं, हम डायरेक्टर साहब से बोले कि हमको 5 मिनट का टाइम दीजिए, अपने भाइयों से हमको बात करना, बस यही है। दिल दुखी था इसलिए आप लोग के बीच में आया, हम बार बार नहीं आके, हम बोल चुके हैं कि मैं रो नहीं सकता हूं फेसबुक पे आके, लेकिन दिल हमारा भी दुखता है सर। आप शर्म आनी चाहिए आपको। अब ये फिर सोशल मीडिया पे आके जातिगत कार्ड खेल रहे हैं। अरे यार, हम तो हिंदुस्तानी की बात करते हैं, हम तो अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की बात करते हैं, आप आपस में लड़ा रहे हैं जाति की बात करके। हमने ब्राह्मण जात का हूं, हमारा ब्राह्मण सपोर्ट करे, और हमारा जो सपोर्ट करता है दिल खोल के हमारे भाई करते हैं।
जातिगत बात नहीं करना चाहिए अपने, ये तो नेता लोग करते थे यार, कलाकार कब से करने लगे? अपने फायदे के लिए दो भाइयों को लड़वा रहे हैं आप, दो दो दोस्त आपस में जो एक थाली में खाना खाते हैं उनको आप अपने छोटे से फायदे के लिए लड़वा दिए, वो दोनों आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, क्या फायदा मिला आपको? कौन से बहुत बड़े बन गए आप? हो गया, सब कुछ सही हो गया, उनका भी गाना खुल गया, हमारा भी गाना खुल गया, हमारे रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड पे अभी कुछ देर पहले रिलीज हुआ है, हमारा सारा गाना खुल गया, उनका सारा गाना खुल गया, ये हुआ ही नहीं रहता। हमारा गाना, हम तो कुछ नहीं कहने गए, हम चुपचाप अपने ऑफिशियल पे गाना खोले थे, आप ब्लॉक ही नहीं किए होते, शुरुआत तो आपने किया, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपने शुरुआत किया और मैं चुपचाप बैठ के देखता रहता तो सही है, मैं दुनिया की नजर में गलत हो जाता कि चोरी करके रितेश पांडे गाया, रितेश पांडे का गाना, अलोक बोल रहे हैं कि रितेश पांडे चोरी करके गाया, बोलते ना अगर ऑफिशियल पे आपने ब्लॉक किया, मेरा ही गाया हुआ गाना मेरा ही आपने ब्लॉक कर दिया, अगर मैं कुछ नहीं करता उस समय तो लोग यही ना समझते कि रितेश पांडे चोरी का गाना गाया इसलिए उसका ब्लॉक हो गया, तो सच्चाई छुपेगी नहीं भैया, सच्चाई कभी छुपती भी नहीं है, ये दुनिया का ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सच्चाई कभी नहीं छुपती है, हमारे पास एक एक से एक प्रूफ है, आप क्या देखेंगे कि कितने तारीख को और कब मैंने रिकॉर्ड किया ये गाना, और आप खुद बोल रहे हैं कि ये मेरा पहले का गाना है, और आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपका नाम नहीं दिया जा रहा था, आपको कैसे पता गाना और गाना रिलीज होने से पहले, पोस्टर बनने से पहले आपको कैसे पता कि आपका नाम नहीं दिया जा रहा है? नॉनसेंस वाली बात करते हैं आप, झूठा आरोप लगाते हैं आप, अपने छोटे से फायदे के लिए सबको लड़वा दिया, सब लड़ गए आपस में बिना कुछ सोचे समझे, सब लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, मातारी है, माँ विंध्यवासिनी है, सबको देखेंगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हुआ सब कुछ सही है, सबका गाना खुल गया, मेरा गाना खुल गया, आप लोग प्यार दीजिए, बस दिल दुखी था आप लोग के बीच में, अपनी बात रखा हूं, आपको जो समझ में आए, प्रणाम।